Hello dear friends, welcome to my channel Agricultural Sciences with Alok Divedi. So today we'll discuss on a topic incubator management during the days of incubation. यहाँ पे हम पढ़ेंगे incubation क्या है और incubation period क्या है. Incubation period होता है 18 days का, 18 दिनों का ये process होता है. सबसे पहले हम जानेंगे incubation होता क्या है. तो incubation एक ऐसा phenomena है जिसमें एक bird अपने eggs को humidity, टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन पैरामीटर जैसे पैरामीटर्स की हेल्प से अपने एग को वार्म कंडीशन में रखती है, जिससे कि उसको एक ऑप्टिमम हीट मिल सके हैचबिलिटी के लिए. तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे. इंक्यूबेशन इज़ द फेनोमेना डन बाई अ बर्ड इन ऑर्डर टू कीप देयर एग्स वार्म एंड ब्रिंग देम टू हैचिंग स्टेज. तो ये हो गया, इसको हम इंक्यूबेशन कैसे डिफाइन करेंगे. अब इंक्यूबेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एग्स को हीट प्रोवाइड करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 डेज़ का, और इस प्रोसेस में तीन चीज़ों का ध्यान बहुत ही खास रखा जाता है, वो है टेम्परेचर, वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी. इन ये तीन पैरामीटर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हैचबिलिटी ऑफ एग के लिए. और मैं आपको बता दूँ कि 18 डेज़ के पीरियड में, 18 डेज़ के इंटरवल ऑफ टाइम में, इंक्यूबेशन इंटरवल ऑफ टाइम में हमें एग को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, अदरवाइज उसमें डिफॉर्मिटी स्टेज हम देखेंगे. एग का डिफॉर्मेशन हो जाता है अगर आप उसे डिस्टर्ब करेंगे, टर्न करेंगे या उसकी जगह से उसको मिसप्लेस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की. तो जैसे ही हमारा 18 डेज स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारा 18वां दिन स्टार्ट होता है, वैसे ही हम टेम्परेचर रेंज को 35 डिग्री टू 36 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में टेम्परेचर रेंज को बढ़ा दिया जाता है. बात करेंगे हम दूसरे पैरामीटर की, जो है वेंटिलेशन. वेंटिलेशन जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि वेंटिलेशन मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज. तो वैसे ही जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चिक्स को भी ऑक्सीजन की ही उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमें होती है, जो कि है 21%. तो गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड उनके इंक्यूबेटर्स में से हमेशा निकालते बाहर आउटलेट करना होता है उनको, और हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को अंदर इनलेट करना होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में, एज टू रिड्यूस द हीट इन द इंक्यूबेटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. अब बात करेंगे ह्यूमिडिटी की. यह सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन तीनों में से. तो चिक का, जब मैं आपको बता दूं कि चिक का वेट हमेशा 62 to 76% ऑफ एग वेट के बराबर होता है. अगर मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ कि एग का वेट 60 ग्राम है, एक एग मान लेते हैं 60 ग्राम का है, तो वो 41 ग्राम का चिक उसमें से ऑन एवरेजली पैदा होगा. ऐसे 90 ग्राम जो वेट है, अब आप कहेंगे 60 में ग्राम के वेट में 41 ग्राम होगा तो 19 ग्राम वेट कहाँ गया. तो 19 ग्राम जो वेट है वो इंक्यूबेशन और हैचिंग के प्रोसेस में लूज़ हो जाता है. अब अगर हम बात करें कि ह्यूमिडिटी अगर एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाए या एक्सेस पैरामीटर में चली जाए तो क्या होगा, तो उसके रिजल्ट्स ये होंगे कि वो लीड्स टू द पुअर डेवलपमेंट ऑफ एयर सेल. तो जो एयर सेल, जो आपने देखा होगा कभी आप एग को बॉयल करते हो तो नीचे एक सेमी सर्कुलर टाइप का शेप आपको दिखता होगा, तो उसी के वो पुअर डेवलपमेंट के लिए कॉज करता है अगर आपके एग में या आप अगर इनक्यूबेटर में एक्सेस क्वान्टिटी में ह्यूमिडिटी को प्रोवाइड कराते हो. तो लेस ह्यूमिडिटी अगर है अगर आपके इंक्यूबेटर में, तो वो कॉज करती है डिहाइड्रेशन ऑफ चिक्स को. उनके जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेल से चिपक जाते हैं और दे कॉज टू डेथ. हैचिंग के दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा 85% के रेंज में रखा जाता है, जिससे कि एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन पाया जाए, जिसे हम कहते हैं कि आइडियल प्रोडक्शन हो चिक्स का. तो यही सब कुछ मेजरमेंट हैं, एक सब पैरामीटर्स हैं जिनका बेसिकली ध्यान दिया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन का. ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए सबसे एक्सेलेंट मेथड है कि एग को आप लाइट में देखें. 18 डेज के दौरान काफ़ी चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे एग में. दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. देखिए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ इस पिक्चर में, 7th डे में आप देखिए एयर सेल का साइज़ क्या है, 14th डे में देखिए एयर सेल्स का साइज़ क्या है, और 18th डे में देखिए. तो आप देख रहे होंगे कि हर एक अल्टरनेटिव वीक में आप देख रहे होंगे कि एयर सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है.
तो यही ये यही किस वजह से होता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी कितना है। दो चीज़ों को, दो फैक्टर को आपको जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं हैचिंग ऑफ एग्स के बारे में। तो पहला है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फर्टिलिटी क्या है? नंबर ऑफ़ फर्टिलाइज्ड एग अपॉन नंबर ऑफ़ एग लेड इन इंक्यूबेटर, मतलब जितने एग्स आपने रखे हैं इंक्यूबेटर में उसमें से कितने एग फर्टिलाइज्ड हैं, कितने एग फर्टिलाइज्ड एग हो गए हैं, इनटू आप उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का। तो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि फर्टिलिटी क्या है। अच्छा, अब आप कैसे डिफाइन करेंगे हैचबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ हैचबिलिटी? तो हैचबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है कि रेट ऑफ सक्सेस सच दैट चिक्स हैच्ड अपॉन फर्टिलाइज्ड एग इनटू 100। समझ रहे हैं? मतलब जितना चिक्स आप हैच हो गया है फर्टिलाइज्ड, अब बात होती है वहाँ पर फर्टिलिटी में क्या बात हो रही थी, वहाँ पर बात हो रही थी कि नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन इंक्यूबेटर। अब यहाँ बात करेंगे उस फर्टिलाइज्ड एग में से कितने चिक्स हैच किए गए हैं, कितने चिक्स उसमें से बाहर निकल आए हैं। तो ये क्या है, रेट ऑफ सक्सेस अपॉन फर्टिलाइज्ड एग इनटू 100। ऐसे हम हैचबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि 14th डे ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड में जब हम लाइट को एग पर फोकस करते हैं या एग को हम लाइट में देखते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो एग क्लियर है, अगर वो एग क्लियर ट्रांसपेरेंट या हमें कुछ क्लियर समझ में आता है उसके अंदर का सब्सटेंसेस, तो हम उन्हें इंक्यूबेटर से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो फिर आगे फर्टिलाइज्ड एग की तरह एक्ट नहीं करते हैं, वो उनके अंदर डिफॉर्मिटी कॉज हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।